पर गोपचारी तत्व उसको उसी जगह डिस्प्ले करके इसका बाहर निकलने योग्य द्रव्य में रूपांतर करते हैं, यूरिया में, आपने यूरिया शब्द भी शायद सुना, उसमें रूपांतर करके वो खून में मिलकर किडनी के द्वारा प्रसारण होता है। लेकिन जब तक वो निष्क्रिय नहीं होता तब तक ये काम नहीं होता। इसको निष्क्रिय करने में जल्दी स्पीड लाने, इसके अंदर जल्दी से आसानी से इसको निष्क्रिय करने में ये अंकुर हमारी है। आप किसी भी जोड़ों के दर्द वालों को या ऐसे गाउट वालों को या शरीर में इंद्री ज्यादा है वो इसका भरपूर भरपूर, यानी मैं ऐसा शब्द यूज करता हूँ देसी गुजराती वाले, इसके ऊपर टूट पड़ो, ऐसा मैं शब्द यूज करता हूँ तो गुजराती में, लेकिन आप हिंदी में इसका समझ सकते हैं तो कोई नहीं, इसके ऊपर विशेष रूप से बाहर जोर दो, हर वगत नाश्ता हम ग्रह, आपका भोजन तो ग्रह, शाम का नाश्ता ग्रह, रात का भोजन ग्रह, भूख लगी तो ग्रह, ऐसा आप ध्यान में रखें, इससे ज्यादा सेवन करो तो वो जल्दी निष्क्रिय होकर के बाहर निकलने में सहायक बनती है। और यूरिक एसिड जो रेंज से बढ़ गया था नॉर्मल रेंज, उसको नॉर्मल रेंज में रहने में सहायक। ऐसा हमारे गायनिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल फीमेल दोनों में जहाँ संतति प्राप्त नहीं होती है, जहाँ की महावारी कष्टदायक होती है, दर्दनाक होती है, गोलियाँ लेनी पड़ती है, आराम से बैठना पड़ता है कमरे में बंद होकर के, ऐसी स्थिति में और पुरुषों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में स्पर्म काउंट डी के प्रोडक्शन कम है या उसकी मोटिलिटी या उसकी कार्य क्षमता कमजोर है लेकिन जीवित नहीं, गड़बड़ टिकती नहीं है, अंदर जाके ही खत्म हो जाते हैं, तो सारी चीज़ों को मेल फीमेल दोनों की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की क्षमता बढ़ाने का काम है, ये हमारी इसमें मदद होती है। अभी भी आप प्रयोग कर सकते हैं जिन लोगों के आपके परिवार में या किसी को तकलीफ हो तो उसके लिए भी आप इसका चाहिए। और एक चीज स्किन के विशेष द्वारा चमड़ी के असाध्य रोगियों को ये स्किन उसी को कंट्रोल करने की बात नहीं है, इसको कंप्लीट इससे निजात पाने के लिए भी एक सहायक है, अकेला ये करेगा ऐसा नहीं है, बड़ों के साथ स्किन के लिए हमारी स्किन हेल्दी। स्किन शब्द जब मैं यूज करता हूँ तो इसमें तीन चीज आती है, ये भी समझ लो, हमारे बाल, हमारे नाखून और हमारी स्किन, तीनों एक ही मटेरियल है, जिसको बोलते हैं पर्दों ने करी, जैसे लोकी है अपना टिंडा है काकड़ी है कीड़ा है वो सब एक ही पर्दों ने करे है, कैसी तरह ये इसका जेनेटिकली वो एक ही पदार्थ पर है, तो हमारी स्किन नाखून और बाल जो हमेशा 24 घंटे बदलते रहते बढ़ते रहते, आज जो स्किन है वो हफ्ते के बाद वो नहीं दिखाई दे, हफ्ते के बाद वो हमारी पूरी स्किन बदल गई, साथ स्किन बदलता है तो लेकिन वो स्किन उतारता है और हमारे हाथ में आती है, हमारे यहाँ नहीं, लाखों और अरबों को रोज बढ़ते और नए पैदा होते हैं, नाखून बढ़ते हैं खत्म होते हैं काटते हैं बढ़ते आते हैं, बाल काटते फिर से जीवन तक तक बढ़ते रहते, ये तीनों एक ही चीज़ है, ये चीज़ें जब हम स्किन का बोलो तो बालों की चमड़ बढ़ाएगा, हमारे नाखून की ताकत क्या हो ना, नाखून की तो ताकत कर सके, इस चीज़ को मुझे दबाना है, आपको फिर भी करना है, बिना नाखून वाला कुछ नहीं होगा तो ताकत नहीं कर पाएगा, तो नाखून हमारी ताकत को बढ़ावा देने का, इस तरह से चीज़ों का उपयोग है तो ये हेल्दी होना भी जरूरी है, ये हेल्दी होगा तो हमें फायदा है, तो इस तरह से स्किन को हेल्दी करने के लिए ये सहायक है। मैंने बहुत सारी मोटा मोटी बातें आप लोगों को जितना समय था उसके हिसाब से मैंने बताया, और आप लोगों के कुछ छोटे मोटे प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, और शायद इसमें कुछ रिप्लिकेशन हो गया हो तो मैं क्षमा करूँ।